आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि बेबीज के नामकरण को सेलिब्रेट करना है। इस फंक्शन में एक लार्ज गैदरिंग होता है और लाउड म्यूजिक। तो क्या इतना साउंड बेबीज के लिए सेफ है, जानते हैं इन एपिसोड नंबर 33 ऑफ द सीरीज न्यूबॉर्न केयर विद डॉक्यूरा। न्यूबॉर्न बेबीज की सारी ऑर्गन सिस्टम्स डेवलपिंग स्टेज में होती है और उनका हियरिंग भी। लाउड नॉइसेस बेबीज के इनर ईयर के हेयर सेल्स और हियरिंग नर्व को डैमेज कर सकता है। इससे टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। अब जानते हैं कि कितना साउंड लेवल बेबीज के लिए सेफ है। वेल, न्यूबॉर्न बेबी से 45-50 डेसिबल्स तक को सेफ माना जाता है। ये हमारे नॉर्मल बातचीत के लेवल जितना होता है। अगर ये लेवल 85 डेसिबल से बढ़ जाता है तो बेबीज को हियरिंग में डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं कि साउंड लेवल को कंट्रोल कैसे करें। आप अपने मोबाइल में डेसिबल मीटर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप आपके रूम में और सराउंडिंग्स में कितना साउंड है ये मॉनिटर कर सकते हैं। इससे आप सराउंडिंग्स का वॉइस और अपने रूम का वॉल्यूम कंट्रोल रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप खुशी के मौकों को सेलिब्रेट ना करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि न्यूबॉर्न बेबीज जो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं उनको नुकसान ना हो। आप अपने बेबीज के सराउंडिंग का साउंड मॉनिटर करते हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं।